हेलो दोस्तों, आज हम हो चुके हैं सुबह सुबह रेडी और ये दिखा रहे हैं मुझे अपनी चूड़ियाँ। तो फिर इनकी चूड़ियाँ देख देखते आज हम हो चुके हैं रेडी सुबह सुबह। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अभी भादरगढ़। कहाँ जा रहे हैं हम? भादरगढ़। तो आपको रास्ते में चल के मिलते हैं भादरगढ़ के लिए, और भादरगढ़ चल के बताते हैं हम क्यों भादरगढ़ जा रहे हैं। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जय भोले। उपट हो गया दे रहा हवा, ये इन दोनों का अच्छी लग रही है, दोनों मजे ले रहे हवा के, बिल्कुल आगे बैठे तो पूरी हवा दे रहे हैं। तो अभी मिलते हैं, देखो मैं गिलो हो चुका पूरा। तो यहाँ पर हमारे पाली अंकल बना रहे हैं गरम गरम ब्रेड पकौड़े। होगी तैयारी ब्रेड पकौड़ों की अंकल? तो दोस्तों यहाँ पर मुझे पंडित जी ने अपने पास बिठा लिया, ये हवन सामग्री मिक्स करवा रहे और तैयार करवा रहे हवन के लिए सामग्री, और मेरे से कुछ बातें कर रहे हैं यूट्यूब के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने बताया कि अभी मुझे कुछ नहीं मिलता, पर हाँ आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। तो इसे वो यही बातें कर रहे थे और ये देख रहे थे हमारे कि कैसे हम मिक्स कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। दोनों हाथ से पकड़। मैंने फर्स्ट टाइम हैंडपंप चलाया था पानी भरने के लिए। पहले तो बहुत ज़्यादा फोर्स से चलाना पड़ रहा था इसको, क्योंकि बीच बीच में अटक रहा था और पानी बहुत कम आ रहा था। बट फिर उसके बाद जब मेरे को थोड़ा सा हाथ सेटल हो गया तो मैंने अच्छे से चलाया, और फिर वो बहुत सारा पानी था, फिर वो मट्टी में भर गया। देखो पहली बार इतनी खुशी है मुझे। मासी आ चुकी है दोनों। मासी लेके आइए नारे रोटी। गुलाबी वाली चुनी कर लो थोड़ी। है कैसे लग रहा है? मटका उठा दे, मासी को भी दे दो। मासी नाचो 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 ले लो मासी। नाचो नाचो मासी नाच रही है। हाय ले आए मटका भर के।
बाहर चलने पे बैठा बैठ जाओ, सारे सगन मिलेगा, सारे बैठ जाओ। क्या क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। कुछ नहीं मिलेगा, वो पंडित जी के सगन देना, बैठ जाओ सारे। पंडित जी मेरे को देके जाएंगे आज। आज बैठो महाराज, मूर्ति महाराज, महाराज को बुलाए, महाराज को बाहर रखवाओ जी। चप्पलें बाहर ना उतरवाओ, और ये हमारा मंदिर। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया हमारा, ये और ये पहले भी हमने मंदिर का बना रखा था, तो हमने 20 साल से मंदिर का ही बना रखा है, इसलिए अभी हमने यहाँ पे मंदिर बनाया। यहाँ पे एक माता की मूर्ति भी रखी है, ताकि जो भी यहाँ पर रेंट पर रहे वो नीचे आकर पूजा करके सारे इकट्ठे मिलकर। Thank you.